रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? पता होगा बड़े होंगे। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 50 तक, ऑब्वियसली शुरुआत 1 से लेकर 50 तक मैंने वीडियोस सॉल्यूशंस के डाल दिए हैं। चैप्टर बता आपको रखा है, एलजेब्रा का चल रहा है, इनइक्वालिटी इनइक्वेशंस वाले। और उसमें आज जो हम करेंगे वो बहुत ही बच्चों की जो दुखती नब्ज है मॉड, उसके ऊपर सवाल करेंगे। तो मॉड की दो शक्लें होती हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। देखिए मैं एक थोड़ा सा बता देता हूँ कि मॉड का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने सिंपल लिखा x+1 का मॉड। अब मुझे पता है कि इसका जो आंसर है वो पॉजिटिव आ सकता है या जीरो भी आ सकता है, क्योंकि मॉड का काम है आंसर पॉजिटिव देना। अंदर की हालात कैसी है वो किसी को नहीं पता है। हाँ, जैसे इस वाले में पता है कि सर 2 लिखा है तो 2 आंसर आएगा, -2 लिखा है तो 2 आंसर आएगा। क्लियर कट पता है ना, अंदर नेगेटिव है अंदर पॉजिटिव है। पर वेरिएबल अगर अंदर है मॉड के अंदर, तो यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि अंदर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो हमारे मन में चलता है दो बातें। पहली बात कि अगर अंदर पॉजिटिव हुआ, अंदर पॉजिटिव हुआ, उस पॉजिटिविटी में हम जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं। अगर अंदर पॉजिटिव हुआ, अगर अंदर पॉजिटिव हुआ तो आंसर सेम टू सेम बाहर निकल जाएगा। मतलब कि मॉड x+1 विल बिकम एग्जैक्ट x+1। मॉड का आंसर मॉड पॉजिटिव ही आया ना, सिंपल बात समझ आ रही है। जैसे 2 पॉजिटिव था तो आंसर क्या है? 2 आया। केस 2 में अगर अंदर नेगेटिव निकला, अगर अंदर नेगेटिव हुआ, पर हमें तो पता है कि हमें आंसर पॉजिटिव देना है, सो -2 का 2 कैसे हुआ? जब मैंने -2 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तब, यानी अगर अंदर नेगेटिव है तो उसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो मॉड x+1 है उसका आउटपुट -x+1 आएगा। मतलब नेगेटिव इंटू नेगेटिव ओवरऑल पॉजिटिव। सो ये दो केस पे काम करता है मॉड, और इसी को लेकर हम सवाल स्टार्ट करते हैं। तो 51 से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और इसमें क्वेश्चंस में एक मॉड शुरुआत एक मॉड किया हुआ है, फिर एक से ज्यादा मॉड कर दिए। तो हमें दोनों मॉड का जो रूट है उस पर ध्यान देना है। रूट का मतलब ये कि जैसे अगर मैं मॉड x+1 लेता हूँ, ठीक है, इक्वल टू मैंने 2 लिया। मैं एग्जाम्पल मैंने खुद से बता रहा हूँ। अगर मुझसे पूछे कि बताइए कौन कौन सी वैल्यूज ऑफ एक्स आएंगे जिससे एक स्टेटमेंट ट्रू है, तो आप क्या करेंगे भाई? वही अंधविश्वास वाली बात कि भाई पहले की x+1 हमने माना पॉजिटिव है, तो ये मॉड को हटा दिया हमने, एग्जैक्ट बाहर आ गया, x की वैल्यू आ रही है 1। अब ध्यान रखना, अगर आप इसको पॉजिटिव मानते हैं तो आप मतलब x की वैल्यू उम्मीद रखेंगे कि वो -1 से बड़ी हो, और -1 को हम प्यार से रूट बोलते हैं मॉड का, मतलब जहां पर वी से बनता है, जहां पर वी से बनता है। तो हर बार मॉड की बात उसके रूट के अगल बगल होगी, रूट से ज्यादा पर पॉजिटिव, रूट से कम पर नेगेटिव। ये बात समझ में आ रही है क्या? ये मैंने नहीं बोला, इसने बोला है। आप इसको ध्यान से और देखिए, तो एक्स ग्रेटर इक्वल टू -1 रखेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये मॉड पॉजिटिव खुलेगा, और वहां से अपने को आंसर मिल रहा है x=1, विच इज एक्सेप्टेबल और नॉट? यस, एक्सेप्टेबल, बिकॉज हमने माना ही है कि अंदर पॉजिटिव है और एक्स की वैल्यू बड़ी ही है -1 से, तो एक्स की वैल्यू 1 एक्सेप्टेबल है। केस 2, अब जो शक्ल है क्या पता नेगेटिव हो, तो एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो एक्स की वैल्यू शुड बी लेस देन -1। उस समय ये मॉड जो है वो नेगेटिव लगकर खुलेगा, क्योंकि तो उसको मार्केट में पॉजिटिव बनकर आना है। फिर -x -1=2, तो -x=3, तो x=-3, ये भी एक्सेप्टेबल है बिकॉज x<-1 होना चाहिए। तो दोनों ही अपने आंसर है। सो यू हैव टू डील विद द केस कि पॉजिटिव लेके चलेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, उसके अंडर ही होना चाहिए। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे x=-3 आ गया था इस वाले केस में, तो मैं इसको नहीं लेता, क्योंकि तो मैंने जब माना है कि पॉजिटिव है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए।
और मेरा आंसर अगर -3 आ रहा है, सो वो एक्सेप्टेबल नहीं है सर, एक्सेप्टेबल नहीं है। क्लियर है क्या? बहुत ही बढ़िया, इस विश्वास के साथ, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हम सवाल पे आगे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल, अब मैंने देखिए बहुत बच्चों का था सर क्वेश्चंस, मेरे पास पीडीएफ नहीं है, सो मैं अगले अब वीडियोस में क्या करूंगा कि सामने क्वेश्चंस की लिस्ट रख दूंगा मैं, ठीक है? आप वन बाय वन सॉल्व करिए, और जहां आप रुकते हैं तो वहां पर आगे स्क्रॉल करके वीडियोस को, उसमें जाके वो सॉल्यूशंस देख लें, ठीक है? टाइम वेस्ट ना हो, आप मेरे हर एक क्वेश्चन पे वेट ना करें। 50 से मैं स्टार्ट करूंगा, 51 से स्टार्ट करूंगा मैं, आई विल स्टार्ट फ्रॉम 51, और 51 से जहां तक हो पाता है वहां तक देखेंगे। आप तो मैंने 66 तक सामने रखे हुए हैं, फिर उसके आगे इस तरफ है, तो आप स्टार्ट कर दीजिए अगर प्रैक्टिस करना स्टार्ट है तो। और जहां आप रुकते हैं, जहां आपको नहीं आता, वहां पर उस पर आगे स्क्रॉल करके जाके देख लें वीडियो, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 51, 51 में दे रखा है कि mod 3x - 1 = 2x, एक्स बिलोंग्स टू आर, तो एक्स की वैल्यू पता नहीं कितनी आएगी। अब मॉड को फटाफट ओपन करते हैं। केस 1 में हमने माना कि 3x - 1 = 0 है, सो एक्स की वैल्यू = 1/3 है, उस हिसाब से 3x - 1 = 2x ओपन कर दिया, सो यहाँ आ रहा है x = 1, सो ये 1 एक आंसर हो गया बिकॉज इट शुड बी मोर देन 1/3। केस 2 में वो हमने माना कि अंदर नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव में ये कैसे खुलेगा, नेगेटिव लग के खुलेगा, दैट इज -3x - 1 = 2x, तो ये आ रहा है -3x + 1 = 2x, और यहाँ आ रहा है 5x = 1, सो x = 1/5। सो ये यहाँ पर हमने देखा कि x वुड बी less than 1/3, सो 1/3 अगर 5 बड़ा है 3 से, सो 1/5 इज less than 1/3, सो यस दोनों एक्सेप्टेबल आंसर है, 1/3 और 1/5 और 1, ठीक है? नेक्स्ट केस बढ़ते हैं, तो इट वाज इजी क्वेश्चन। 52, क्वेश्चन नंबर 52, 52 में क्या है, mod x + 4 = 3x - 2 है, और x बिलोंग्स टू आर है, x, ये हम जो बात चल रही है ना वो रियल दुनिया में बात चल रही है, x शुड बी रियल, ठीक है? इसमें मॉड को अगेन, अब मैं डायरेक्टली बोलूंगा, देखो जब भी हम मॉड के अंदर पॉजिटिव मानते हैं तो उसके रूट जो मतलब x + 4 = 0 है ना, तो x = -4, मतलब उसके रूट के इर्द गिर्द केस चलेंगे, mod -4 पॉजिटिव, less than -4 नेगेटिव। देख लीजिए आप, जैसे हमने केस 1 में माना इसको पॉजिटिव, तो क्या निकलते हैं, -4 से ज्यादा, तो बस वही है, रूट के इर्द गिर्द बात चलेगी डायरेक्ट, ठीक है? तो -4 से बड़े वाले में ये पॉजिटिव आना है, तो मॉड कैसे खुल जाएगा, पॉजिटिव खुल जाएगा, विच इज इक्वल टू 3x - 2, ध्यान रहे अपना आंसर -4 से बड़ा आना चाहिए। सो ये हो गया आपका 2x, ये हो गया आपका 6, सो x = 3, सो -4 से बड़ा, यस एक्सेप्टेबल है। केस 2, x < -4, तो यहाँ पर ये नेगेटिव खुलेगा, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब देखो ये तो क्लियर होगा कि रूट की अगर मैं बात करिए, आप रूट से ज्यादा वैल्यू सोच के ले लो, चलो ठीक है, लेट से आपने सोचा कि सर -4 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, 0, 0 जब रखेंगे तो आपको दिखेगा कि अंदर 4 आ रहा है, दैट मीन्स अंदर की शक्ल पॉजिटिव है, तो आप तुरंत ये वाला केस पकड़ सकते हैं कि अच्छा अंदर पॉजिटिव है तो x + 4 खुलेगा। क्लियर है? मैं फिर बोल दे रहा हूँ, रूट डिसाइड कर लिया, रूट से ज्यादा की वैल्यू को सोच लो, रूट से कम की वैल्यू सोच लो, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अंदर की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव आ रही है तो आराम से बाहर निकाल लो, नेगेटिव आ रही है तो माइनस लगा के नेगेटिव बाहर निकाल लो, तो माइनस आपने रखा 0, 4 पॉजिटिव है, आराम से लिख दो सर x + 4 आएगा डायरेक्टली बाहर, सिंपल। अगर आप -4 से कम रखते हो, लेट से -5 रखा आपने, अब -5 रख रहे हो, तो आप देखोगे कि ये सर -1 आ रहा है, दैट मीन्स अंदर नेगेटिव है, तो माइनस लगा के बाहर निकाल लो, क्लियर? तो डायरेक्टली वो केस केस नहीं बनाना पड़ेगा, टाइम बचेगा, बस उस पे काम करना है, क्लियर? सो -4 से कम, सो ये आपका -x + 4 खुलेगा, बिकॉज अंदर -5 रखा था आपने, तो -1 था, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये 1 दिख रहा होगा, मतलब वो पॉजिटिव हो ही जाता है नेगेटिव लग के, सो डोंट मेक कंफ्यूज, ठीक है? कि माइनस सर नेगेटिव हो गया ना, वो माइनस लग क्यों रहा है, बिकॉज उसको ओवरऑल पॉजिटिव होना है,
बिकॉज वो वर्ड का आंसर देना है। क्लियर? तो ये 3x-2 है और यहाँ पर आएगा -x-4 इक्वल टू 3x-2, तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा -4+2 -2, सो x इक्वल टू -1/2। तो -1/2 सर नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज आपकी वैल्यू -4 से छोटी होनी चाहिए थी, सो अपना आंसर सिर्फ एक आएगा, x इक्वल टू 3। क्लियर? देखिए तो आंसर 3 है। ओके आगे बढ़ते हैं। 52 वॉज इजी क्वेश्चन, आगे मजा आएगा अभी। 53 में क्या है? ओके, मॉड x² + x -5 = 0। ठीक है, अब वो जो फंडा बताया था मैंने उसके रूट के बारे में, वो लीनियर के लिए था, अंदर लीनियर हो तो। अब यहाँ पर क्या क्वाड्रेटिक है, तो देखिए क्वाड्रेटिक क्या करना होता है। आप चलिए केस तो जो बेसिक क्राइटेरिया वो तो फॉलो करते हैं, तो x² + x की वैल्यू ओवरऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मान लिया। अब फैक्टराइज करते हैं तो x x प्लस में ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपको मे भी पता हो ना हो, मैं आपको सिखाता हूँ। कभी भी आप ऐसा दो लीनियर फैक्टर देखें, x - a x - b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देखें, तो हमेशा जो x का सेट होता है वो -∞ से लेकर छोटा रूट, मतलब a और b में जो छोटा रूट है, लेट से a छोटा है बी से, तो छोटे रूट तक गाड़ी जाएगी और यूनियन बड़े रूट से इन्फिनिटी जाएगा डायरेक्ट। ये आप याद रख लें इसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल x-2 और x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और आपसे पूछ रहे बताओ कौन कौन सी वैल्यू ऑफ एक्स है जिसको रखने से ओवरऑल मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव या 0 भी चलेगी। बस ये ध्यान रखना है कि इंक्लूडेड है कि नहीं 0, मतलब अगर इंक्लूडेड 0 नहीं है तो आप डोंट टेक द रूट, मतलब टेक इट एज ओपन, बिकॉज अगर उसको रखेंगे ना रूट को आप, तो वो 0 हो जाएगा। सो फर्स्ट डिसाइड द रूट, रूट कितना है 2 है, इसका रूट कितना है -3 है ना। अब फॉर्मूला क्या है, बस वो ध्यान रहे कि आगे जो कोई एक्स है उसका साइन पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों का साइन। मैं बताता हूँ ऐसा क्यों, पहले इसका आंसर लिख लेते हैं। तो इसका आंसर आएगा सर -∞ से लेकर छोटा रूट, कौन छोटा रूट है इसमें, -3 है, यूनियन बड़े रूट से। सर बड़ा रूट कौन सा है, 2, 2 से इन्फिनिटी, और 2 और -3 पे क्लोज आएगा बिकॉज 0 आपने इंक्लूड किया हुआ है। अब अगर आप लेट सपोज x-2 और यहाँ पर -x+3 लिखते हैं, ठीक है, तो अगर मैं ये तरीका लगाता हूँ, जस्ट लेट्स फॉर एग्जाम्पल इसका रूट कितना है, इसका रूट आएगा आपका 3 और इसका रूट कितना आएगा 2। सही है, आपने लिख दिया मुंह उठा के, सर तरीका तो बस इसको देखा और रूट देखा लिख दिया, -∞ से लेकर छोटा रूट 2 तक, यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो आप नोटिस करेंगे कि 4 के लिए चेक करके देखते हैं ना, अब ये क्या इसका मतलब क्या हुआ कि इन सभी वैल्यूज के लिए उसका और आप रखेंगे इसके अंदर तो ओवरऑल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यही उम्मीद रख के बैठे हैं आप। आपने लेट से 4 रख दिया, सो 4 - 2 पॉजिटिव आ रहा है, -4 + 3 नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नॉट एक्सेप्टेबल, सो आंसर इसका क्या आएगा, 2 से 3 आएगा। अब ये कैसे हो गया, तो इसलिए मैं सिखा रहा हूं कि एक्स के पास कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है, ऐसा नहीं कि सर यहाँ पे 4x जो भी चलेगा, रूट तो निकालना आता है, इसका रूट -3/4 हो जाएगा, इतना ही होगा ना, पर आगे एक्स के पास साइन पॉजिटिव होनी चाहिए। तो तरीका ये शॉर्ट ट्रिक क्या बताया, -∞ से लेकर छोटा रूट और फिर यूनियन बड़े रूट से इन्फिनिटी, कब, जब पॉजिटिव मिले। अगर नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है, अब इंक्लूड करना या नहीं करना आपकी मर्जी, ये मान लो इंक्लूड है चलो ले लेते हैं, तो फिर वही साइन पॉजिटिव दोनों तरफ है, हाँ है, बस छोटे रूट से बड़ा रूट, सिंपल। आप कोई भी रखेंगे इसके अंदर हमेशा नेगेटिव आएगी, रख के देख लो आप, 2.5 रख लो, 2.5 - 2 क्या हुआ, पॉजिटिव, 2.5 - 3 नेगेटिव आ गया ना, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अगर आप 4 रखते हैं तो 4 - 2 पॉजिटिव, 4 - 3 पॉजिटिव, नहीं चाहिए, पॉजिटिव 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 होता है। सो ये तरीका है।
डायरेक्ट क्वाड्रेटिक के ऊपर दो लीनियर फैक्टर हैं, तो ये ट्रिक याद ले। नेगेटिव के लिए छोटे रूट से बड़ा रूट, पॉजिटिव के लिए माइनस इंफिनिटी से, मैं माइनस इंफिनिटी को बोलता हूँ नरक, नरक से लेकर छोटा रूट और बड़े रूट से इन्फिनिटी तक का दौरान। इंक्लूड करना है कि नहीं करना रूट, वो डिपेंड करता है जीरो को इंक्लूड किया है कि नहीं किया है। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सो अब मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ इसका। अरे ये अंडा कहाँ से आ गया? ओके सो कहाँ चला गया कर्सर? ओके ओके सो इसका रूट क्या है? जीरो है। इसका रूट क्या है? माइनस वन है। दोनों तरफ साइन कैसी है? पॉजिटिव है। और यहाँ पर इंक्लूड है तो एक्स बिलोंग्स टू आएगा माइनस इन्फिनिट से लेकर माइनस वन यूनियन जीरो से लेकर इन्फिनिटी, और रूट को इंक्लूड करेंगे बिकॉज इक्वल की साइन ली है हमने। अब हमें उम्मीद है कि मेरा आंसर इसी के अंदर आना चाहिए, इस सेट के अंदर आना चाहिए। क्लियर है क्या? अब ये इस ये केस के हिसाब से ये पॉजिटिव खुलेगा क्योंकि अंदर से हमने पॉजिटिव मान रखा है, तो ये फाइनली बना इक्वेशन। अब इसके जो रूट है उसका हम जब भी क्वाड्रेटिक आए तो आप दो चीज चेक करें, डॉक्टर मतलब डिस्क्रिमिनेंट और उसका ए। तो इसका बी पाएंगे पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बिकॉज बी स्क्वायर वन है माइनस फोर इंटू ए इंटू सी दैट इज 21, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो रूट तो आएंगे पर गंदी शक्ल आए, मतलब नॉट रैशनल नंबर। ठीक है, और ए वन है। सो रूट एक्स इक्वल टू आएगा माइनस वन प्लस माइनस √21 अपॉन टू। अब जब भी वैल्यू सर्ड्स में आए तो टेक इट एज अप्रोक्स वैल्यू, पे आपको आइडिया है कि वैल्यू सेट के अंदर आ रही है कि नहीं आ रही है। सो √21 विल बी मोर देन 4 एंड लेस देन 5 बिकॉज 16 से बड़ा है और 25 छोटा है। और क्लियर करें तो 4.5 कितना होता है? 4.5 हो जाएगा आपका 20.25, तो लेट्स से 4.5 है, तो √21 विल बी अप्रोक्स मोर देन 4.5 बिकॉज 4.5 का स्क्वायर कितना है? 20.25। सो ओके सो माइनस वन प्लस 4.5 डिवाइड बाई टू एक रूट ग्यारह है, माइनस वन माइनस 4.5 डिवाइड बाई टू एक रूट ग्यारह। 4.5 माइनस वन 3.5, 3.5 बाई टू वन से बड़ा, एक्सेप्टेबल है सर, पॉजिटिव सेट चलेगा। माइनस वन माइनस 4.5 माइनस 5.5, माइनस 5.5 डिवाइड बाई टू 2.5 से ज्यादा, दोनों एक्सेप्टेबल है, दोनों एक्सेप्टेबल है, माइनस वन से कम ही है। सो ये दोनों रूट मेरे एक्सेप्टेबल हैं। ओके हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। केस टू, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मैंने माना नेगेटिव है, सो एक्स इंटू एक्स प्लस वन नेगेटिव है, तो माइनस छोटे रूट से बड़ा रूट वाला सेट आएगा। ठीक है, और जनरली होता क्या है ना, कोई भी अगर लीनियर लीनियर के अलावा उतारो, लीनियर के अलावा जैसे आपने जो रूट यहाँ से रूट देखा आपने, तो जिस जो सेट पॉजिटिव ले आ रहा है उसके अलावा वाला सेट मतलब जो सेट रह गया है वो सेट नेगेटिव ले आ जाएगा। तो समझा रहे बात? आप देख सकते हैं खुद ही, जिस सेट में पॉजिटिव था तो उसके अलावा वाले सेट मतलब जो सेट नहीं आया उस सेट में क्या होगा? नेगेटिव होगा, और वही निकल के आया माइनस वन से जीरो। तो टाइम बच जाता है, मतलब आप केस टू लिखा नहीं पड़ता, आप मान लेते हैं कि वो जो जो सेट बच गया उसमें नेगेटिव होगा
और उसमें मान के चल देंगे आगे, ठीक है। तो वो नेगेटिव खुलेगा, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। सो ये बन रहा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। इसमें डी क्या आ रहा है, इसमें डी नेगेटिव आ रहा है, और जबकि एक्स रियल है, सो यहाँ से नॉट पॉसिबल, एक्स मिलेगा ही नहीं। डी नेगेटिव है, मिलेगा पर एक्स इमेजिनरी मिलेगा, वो हमको चाहिए इमेजिनरी। सो मेरे ये दो आंसर, माइनस वन प्लस 21/2 और माइनस वन माइनस 21/2 मेरा आंसर है। क्लियर है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। फिफ्टी फोर में क्या है? ओके, अगेन वही सवाल, पॉलिटिक वाला। अब अगर आपको समझ में आ गया, फटाफट पॉज करके इसको करें। केस वन, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट इट देन इक्वल टू जीरो। तो आपने इसको फैक्टराइज कर सकते हैं क्या? फोर टू, यस। तो एक्स प्लस फोर एक्स माइनस टू, तो माइनस टू एक्स प्लस फोर एक्स ना, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है ना, यहाँ मिडिल टर्म पॉजिटिव आ रहा है। माइनस टू एक्स प्लस फोर एक्स, तो माइनस टू एक्स के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर, यहाँ पर आएगा माइनस फोर और यहाँ आएगा प्लस टू, तो माइनस फोर प्लस टू। डायरेक्टली आप लिख सकते हो, ये चीज कोई बड़ी बात नहीं है। आप बस ध्यान रखो कि माइनस एट कैसे आना है, और चार दो का डिफरेंस आपको टू दिखना चाहिए। प्लस माइनस की बात तो बाद में कर लेते हैं। सो माइनस फोर प्लस टू या माइनस प्लस फोर माइनस टू से आपका माइनस एट बन जाएगा। फिर आप बस ध्यान रखना कि मिडल टर्म आपका फैट बैठ जाए, मतलब मिडल टर्म, जैसे टू एक्स माइनस फोर एक्स माइनस टू एक्स आ गया ना, तो फट से आपका एक स्टेप बच जाता है। वो तोड़ के लिखो बार बार, बच्चे तो अपने है नहीं रहे अपने। सो वही, दोनों साइन पॉजिटिव है, तो माइनस इंफिनिटी से लेकर छोटा रूट, बड़ा रूट कौन सा है? माइनस टू, यूनियन बड़े रूट से लेकर इंफिनिटी, बिकॉज इंक्लूडेड साइन है तो रूट इंक्लूड करेंगे। ओके, तो फटाफट इसको पॉजिटिव माना, और हमें उम्मीद है कि मेरा आंसर इस सेट में ही आया जो मैंने माना है। तो ये आ रहा है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो। इसमें फोर टू ना, इसमें डी तो पॉजिटिव आएगा पर गंदा आएगा, ऐसे देख लेते हैं। डी कितना आ रहा है? बी स्क्वायर 16 प्लस 32। तो बात है ना, डी पॉजिटिव आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब इसका डी रूट गंदा आएगा। तो आपका एक्स होगा माइनस फोर, यानी कि 4 प्लस माइनस रूट 48। रूट 48 हो जाएगा आपका 12, सॉरी 16 3 हाँ, तो ट्वेल्व फोर कर लेते हैं, 16 3 भी हो जाएगा। 24 ना, आ रहा था गलत, 12 4 तो 2 रूट 12, 2 रूट 12 और क्या हो गया भाई रूट, चलो बाढ़ने का रूट 48 वैसे, चलो ठीक है 12 4 कर लेते हैं, तो 2 रूट 12 हो जाएगा, और 12 हो गया आपका 4 3 जा, तो 4 रूट 3। इतना सिंपल था ना, टाइम लग गया, 4 रूट 3। ओके, कभी कभी होता है दिमाग बंद हो जाता है काम करना, आसान चीज भी नहीं जल्दी आती। क्लियर, 4 रूट 3। तेरी 16 3 ही था बस, मुझे पता है 6 3 24 आया था। 6 3 24 क्या हो, 6 3 18 होता है यार। दिमाग 2 8, ए कितना है 1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 रूट 3 और एक हो जाएगा 2 माइनस 2 रूट 3। अब रूट 3 दैट इज 1.73, 1.73 इंटू 2 करेंगे तो 6 14 3 पॉइंट समथिंग इतना आएगा। तो 2 माइनस 3 समथिंग इतना आएगा, मतलब लेस देन
-1 तो नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज कर लेते हैं 1.73 इंटू 2 6 14 3.14, और 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 से तो 1.46, नॉट लेस देन, माइनस 2 से कम चाहिए ना, तो है नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये एक्सेप्टेबल है क्या 3.14, 5.46 या ओके 4 से बड़ा है, सो 2 प्लस 2√3 एक्सेप्टेबल है, तो एक आंसर ये रहा। ये वाला एक्सेप्टेबल नहीं है ना, -1.46 जितना आ रहा है आपको तो -2 से कम चाहिए, पर तो बड़ा आ रहा है। सो अगला केस टू, अब जो सेट नहीं लिया ना उस वो सेट में नेगेटिव आ जाएगा, मतलब -2 से लेकर 4 में दिस विल बी नेगेटिव, तो माइनस लग के ओपन हुआ इक्वल टू 2x, तो ये हो जाएगा आपका x² -2x -8 इक्वल टू -2x, मैंने माइनस को उधर ट्रांसफर कर दिया, सो x² इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू 2 आ रही है, प्लस माइनस 2√2। अब 2√2 यानी कि 1.41 इंटू 2 दैट इज 2.82, 2.82 -2.82 नॉट एक्सेप्टेबल, +2.82 यस एक्सेप्टेबल, सो इसमें से हम 2√2 ही उठाएंगे क्योंकि वो इसके अंदर आ रहा है, -2√2 नहीं आ सकता ना भाई, बताया था -2.82 वो -2 से और छोटा हो गया क्योंकि तो बड़ा चाहिए हमें, सो ये एक्सेप्टेबल इस वाले केस से और ये एक्सेप्टेबल इस वाले केस से, तो आपका 2√2 और ये 2.1+√3 दोनों आंसर आ रहे हैं। ठीक है, सवाल बहुत इजी है। फिफ्टी फाइव में क्या है, ओके अगेन वही सवाल, मॉड x² -x - 6 इक्वल टू x+2 वेयर x बिलोंग्स टू r, फटाफट इसको आप प्रैक्टिस कर लें। लेट मी इंक्रीज माई स्पीड, ये आपका हो गया इक्वल टू 0, सो ये आपका हो गया x-3 और x+2, तो कहीं बढ़ गया, सो यहाँ पर आ रहा है माइनस इंफिनिटी से लेकर -3 यूनियन -2 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो इसमें पॉजिटिव आना, तो हमने x² - x - 6 को ऐसे उदाहरण कर दिया x+2, सो ये आ रहा है x² - 2x - 8 इक्वल टू 0, देखा देखा लगता है x-4 x+2, सो यहाँ से आंसर आ रहा है -2 और 4। चलो बताओ कौन सा एक्सेप्टेबल है, -2 यस एक्सेप्टेबल है, तो यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है, 4 नॉट ओके, 4 भी इंक्लूडेड है, ओके -2 भी आएगा 4 भी आएगा, दोनों एक्सेप्टेबल है इस सेट में आ रहे हैं इसलिए। सही, हाँ सही। केस टू में कौन सा सेट रह गया, -3 से लेकर -2 में ये नेगेटिव खुल जाएगा अंदर वाला, है ना, जिस सेट में पॉजिटिव उस सेट के अलावा सेट बताया था मैं नेगेटिव आएगा, सो नेगेटिव खुल रहा है तो माइनस लग के खुलेगा इक्वल टू x+2, तो ये हो जाएगा आपका -x² + x और +6 इक्वल टू x+2 होगा, तो यहाँ पर x कैंसिल आउट हो गया, -x² इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू 2 और -2, अब 2 - 2 में दोनों ही इंक्लूड होंगे कि नहीं होंगे, देखो 2 इस सेट में नहीं आ रहा और -2 भी इसमें नहीं आ रहा, इसमें ले चुका है मैंने, तो सिर्फ मेरे दो आंसर आएंगे, अच्छा 2 तो -3 से लेकर -2, ओके यहाँ पर एक आंसर 2 भी है, तो इसमें एक आंसर 2 आपका नहीं आ सकता, अगर 2 रखते भी है लेट सपोज, तो इसके अंदर आपका आएगा 4 - 2 या -6 और यहाँ पर आएगा 4, एक्सेप्टेबल हो रहा है, यहाँ पर x कट गया -x² 2 - 2, ओके -3 से लेकर माइनस ओके -2 है, ओके 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 मैं मिस्टेक है, यहाँ पर -2 आएगा और यहाँ आएगा 3, बिकॉज ये 3 है ना, तो सॉरी
फोर एक्सेप्टेबल है माइनस सिक्स, या एक्सेप्टेबल तो हो ही रहा है वैसे भी इसका। इसमें बस माइनस टू से लेकर थ्री आएगा, ठीक। सो माइनस टू से थ्री में टू एक्सेप्टेबल है, माइनस टू तो पहले इंक्लूड हो चुका है, तो मेरे तीन आंसर आएंगे, टू माइनस टू और फोर, ठीक है। ओके 56। देखो आप ही जब गलती हो तो मान लेना चाहिए, चाहे आप सर हो चाहे आप बच्चे हो। और होता है ऐसा, आप ऐसा तो मैंने कि मैं सभी खुद को नहीं मानता कि मैं वो भाई साहब मैथ का मतलब नहीं हूँ दुनिया में सब, ऐसा नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ, बस मैं जितना सीख रहा हूँ उतना मैं आपको डिलीवर कर पा रहा हूँ, मेरा वही मकसद है। बाकी मैं 7 साल हो गया पढ़ाते हुए, तो पर कभी ऐसा घमंड नहीं आया कि भाई मेरे को सब आता है ना, कुछ नहीं आता मेरे को। एक मिनट, सीरियस मत लेना इसको, मेरे को आता है, पर मतलब ऐसा बोलने का मकसद है कि उसको मैं ओवर प्रिविलेज प्रिविलेज नहीं ले रहा, मतलब ओवर प्रिविलेज नहीं ले रहा मैं उसको, कि मतलब मुझे सभी आता है, मैं दिमाग खुला हुआ है, सब कुछ सीखता रहूंगा, अच्छी अच्छी बुक थॉट करने की, स्टिल मिस्टेक्स होते रहते हैं उसको एक्सेप्ट करने का मेरे से। तो मुझे तो भाई साहब मल्टीप्लाई करने में जान जल जाती है मेरी, मतलब कोई ऐसे बोले ना 13 × 14 मल्टीप्लाई करो, मैं बोलता हूँ भाई कैसे से कर लो। मैंने जब जेई एग्जाम दिया 2011 में दिया था, तो मैंने उस समय एबेकस सीखा था, आपको पता है वो एबेकस यूसी मार्क्स वाला आता है, वो सीखा था, तो उसमें मुझे बहुत फायदा हुआ मल्टीप्लाई करने में, उसमें तो खट्टर करते थे। ठीक क्या है, जब जॉब चालू हो गया तो क्या है, आलस आ गई लाइफ में, कैलसी इंजीनियरिंग में कैलसी आ गई, तो कैलसी की लत पड़ गई, तो वो मल्टीप्लाई करने का दिमाग चलता नहीं, मना करता है, मैं नहीं चलूंगा भाई तुम ही कर लो मल्टीप्लाई, तुम्हें आता तो आता है, तो मतलब मैं चाहूँ मैं चलूंगा ही नहीं, इसलिए मैं आपसे मल्टीप्लाई वाला लफड़ा तो भाई साहब आप झेल लो, मैं बता दूंगा कैसे से करना है, कोई भी सवाल कैसे करना है वो डील पता है मेरे को, पर उसके अलावा मल्टीप्लाई वो सब मैं से मीरा मत रखें, प्लस माइनस मैं तो कैसे से करता हूँ, मुझे अगर 2 + 1 करना हो तो भी कैसे से करता हूँ, ठीक है। मुझे पता है वो 3 होता है, पर तब भी आलस आलस इज द बेस्ट मेडिसिन टू लीव अ लाइफ, ठीक, एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू। ओके 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 ओके, काफी बकवास हो गया। 56 करते हैं, 56 में क्या है, ओके कितना रे देगा रे, थोड़ा उल्टी के अलावा बाहर चलते हैं, पर चलो नाइस, ये वाला सवाल थोड़ा सा अच्छा है, ध्यान से देखिए आप, आपको क्वाड्रेटिक के बारे में तगड़ा, मतलब डी और ए तो ऐसे दिखना चाहिए खटखट, आप इसका डी देख लें फटाफट, इसमें केस में केस बनाना नहीं है, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, आप देखेंगे तो x² + x + 1 को बाहर निकाल के देखते हैं कि ये अंडा कैसा है, अच्छी क्वालिटी है खराब क्वालिटी का है। यहाँ का पर इसको अगर आप डी देखोगे तो इसका डी नेगेटिव आ रहा है, दिख गया हो, ए आ रहा है 1, मतलब डी नेगेटिव का मतलब रूट नहीं है, और ए पॉजिटिव का मतलब अपवर्ड फेसिंग ग्राफ है, तो नॉट टचिंग द एक्स एक्सिस, दैट मीन्स इफ यू विल प्लेस एनी वैल्यू ऑफ एक्स यू विल ऑलवेज गेट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वाई, ये समझ में आ गया, दैट मीन्स ये ओवरऑल हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इसमें केस बनेगा ही नहीं, ये हमेशा पॉजिटिव है, दैट मीन्स सभी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए ये हमेशा पॉजिटिव है, तो वो आराम से बाहर निकल जाएगा, दैट मीन्स अब आपकी दुनिया पूरी ओपन हो गई है, अब आप कोई भी एक्स सोच सकते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, सो पॉजिटिव मानकर, मानना क्या है ये, सही लिखा, तो x² + x - 2 = 0, टू और 1 दिख रहा है तो -2, और ऐसे लिखता हूँ रेंडम, बदलते हो कि माइनस यहाँ प्लस आएगा यहाँ माइनस आएगा, तो 2x - x हो गया 0, मतलब प्लस एक्स, सो x = -2 आ रहा है और 1 आ रहा है, दोनों एक्सेप्टेबल है सर, एक्स बिलोंग्स टू आर में, -2 एंड 1, वेरी इजी 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 क्वेश्चन, पर इसमें सीखने वाली बात क्या है कि जब भी रूट के अंदर मोड के अंदर क्वालिटी का आए तो उसका डी चेक कर लें। देखिए पिछले सवाल में क्या था ना कि जैसे आप देखेंगे इधर x² - x - 6 था, तो इसके डी पॉजिटिव थे, तो डी पॉजिटिव से क्या होता है ना रूट के इर्द गिर्द बात चलती, तो वहां पर केस बन सकते हैं, पर जब डी नेगेटिव है तो ग्राफ या तो पूरा ऊपर होगा या पूरा नीचे होगा, या पूरा पॉजिटिव या पूरा नेगेटिव, तो उसमें केस नहीं बनते हैं, क्यों बनाऊंगा भाई, 2 अंदर अगर पॉजिटिव दिख रहा है तो वाई शुड आई राइट -2 ऑल्सो, क्लियर है ऐसा, तो जो अंदर पहले से ओवरऑल पॉजिटिव है तो उसमें केस मत बनाइए, आराम से जैसा पॉजिटिव है तो बाहर निकाल लो, नेगेटिव है तो माइनस लाख निकाल लो, क्लियर, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं 57 नंबर।
क्या बोलते हैं हिंदी 57 को, 56, 55, 56, 57, ओके 57 नंबर का सवाल। अरे भाई साहब आप जिंदा कैसे रह गए, हटो हटो। 57 क्या है? ओके अब देखो दो मॉड है, नाइस। यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से अपना वैसे तो एक ही है, उसको क्वालिटी बना के दे रखा है, उसको लगता है कि हमें नहीं आता, हमें आता है, तो आता है। मोड एक ही है, ठीक है। सो एक्स की वैल्यू, इसको माना कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है। ये केस वन की बात चल रही है। केस टू ऑटोमेटिकली अपने आप एक्स लेस देन -1 पे बात चलेगी, जहां पर ये नेगेटिव मिलेगा। अब अगर पॉजिटिव है, अब इस पर होल स्क्वायर लगा हुआ है, मोड का एक्स स्क्वायर सिंपली माइनस एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर। अंदर अंदर अगर भले ही नेगेटिव भी हो, उसको आप आराम से उठा के बाहर निकाल देते हो, होल स्क्वायर क्या कर देगा उसको, पॉजिटिव कर देगा ना। दे बोथ आर सेम, सो ये आपका 2x+1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये x+1 है। जब भी ऑड डिग्री है तो वहां टेंशन होता है ना, कि नेगेटिव का वो इज्जत, ऑड पावर नेगेटिव को इज्जत देता है। मॉड एक्स क्यूब इज नॉट इक्वल टू एक्स क्यूब, बिकॉज अगर एक्स नेगेटिव है तो ये तो पॉजिटिव फुल जाएगा, पर ये नेगेटिव हो जाएगा ना, सो इक्वलिटी नहीं मेंटेन हुई। ऐसे इवन पावर के लिए इक्वलिटी मेंटेन होगी, ऑड के लिए इक्वलिटी मेंटेन नहीं होगी, क्लियर है। सो ये हो जाएगा आपका 2। डायरेक्ट करें क्या, 2α² - α = 3, उसको अल्फा मान लेते हैं, मान लेते हैं। सो 2α² - α - 3 = 0, सो ये आपका आ रहा है 6 3 2, ठीक है। 2α² + 2α - 3α - 3 = 0, सो 2α - 1 और α+1। सो यहाँ से आ रहा है α = ½, और यहाँ से आ रहा है α = -1। अल्फा था कौन, x+1, सो यहां से आ रहा है x = -½, और यहां से x+1 = -1, सो x = आ रहा है -2। सो -2 एक्सेप्टेबल है क्या? नहीं, -½ से एक्सेप्टेबल है, यस इट इज मोर देन -1, सो ये आंसर आपका एक्सेप्टेबल है। केस टू में एक्स वैल्यू -1 से छोटी है, सो ये नेगेटिव खुलेगा भी अंदर, पर स्क्वायर है बताया था वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव लगे खुला तो x+1 हो गया, है ना, माइनस लेके आया, माइनस पहले से ही था तो प्लस हो गया। सो ये हो जाएगा आपका 2α² + α - 3 = 0, तो 2α² + 3α सॉरी -2α + 3α, 6 भी आ जाए और प्लस अल्फा भी आ जाए, वो हो रहा है ना। तो ये हो रहा है आपका 2α+1, और ये हो रहा है α-1। सो यहाँ से अपना आ रहा है α = -½, तो x+1 = अगर -½ है, सो x = -3/2 होगा, और यहाँ से x+1 = अगर 1 है, तो x = होगा 0। तो दोनों 0 आएगा क्या? नहीं आएगा सर, ये आएगा -1.5, यस आएगा, बिकॉज -1 से छोटा है। सो दो आंसर आ रहे हैं, -3/2 और -½, -3/2 और -½, -5/2 है। ओके 2α+1, 2α² - 2α+α, ओके -2α - 2α+3α, ओके 2α+1, α-1, 2α+3, 3 3, सो 12 -3/2, सो -3/2 -5/2 आए, ओके। तो दोनों आंसर एक्सेप्टेबल, -5/2 और -½। अगला सवाल बढ़ते हैं, 58 करते हैं। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 58। 58 में क्या है, दो मोड़ आगे। अब देखिए दो मोड़ इंटरेस्टिंग है, अब आप इसको ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इसके आगे का सवाल जो है वो सब दो मोड़ है, मतलब एक से ज्यादा मोड़ है। प्लस मोड़ एक्स माइनस थ्री इक्वल टू फोर। इसमें क्या करना होता है, आप एक ट्रिक समझ लें फटाफट। दोनों की जीरोस पे बात चलेगी ना, माइनस वन से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव खुलेगा, थ्री से बड़ा होते पॉजिटिव खुलेगा। तो लेट मेक अ केस, इसका रूट लिख लीजिए। इसका रूट माइनस वन है, मॉड एक्स प्लस वन का जो रूट है वो क्या है, माइनस वन है। अबे तेरी, माइनस वन है, इसका रूट क्या है, थ्री है। रूट मार्क्स कर लिया, उसको प्लॉट कर दीजिए लाइन पर, तो माइनस असेंडिंग ऑर्डर में माइनस वन और थ्री, ठीक है। तीन केस दिख रहे हैं आपको, केस वन, केस टू और केस थ्री। ये तीन केस पे काम करना रहेगा, क्लियर है क्या? अगर तीन मॉड है तो तीन रूट्स आएंगे, तो चार केसेस पे काम करना है। जेई मेन में मैक्स टू मैक्स तीन केस तक पूछेगा, तीन मॉड तक देगा। तो आप फटाफट स्पीड वाइज इसको आप ऐसे कर सकते हैं। अब कैसे डील करना है वो समझ लीजिए आप। सबसे पहला स्टेप, रूट लिख के ये प्लॉट कर लिया, चेक फॉर रूट कि क्या रूट के लिए सही है, रूट के लिए क्या स्टेटमेंट सही है। तो मैंने फटाफट माइनस वन पे रखना है, तो माइनस वन रखेंगे तो पहला वाला तो भाड़ में गया, मतलब जीरो। ये हो जाएगा माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर का मॉड फोर इक्वल टू फोर। क्या इक्वलिटी होल्ड हो रही है? यस सर हो रही है। तो मेरा आंसर में माइनस वन आएगा, माइनस वन आएगा, ओके। उसी प्रकार से थ्री के लिए चेक कर लेंगे। सो थ्री के लिए टू टाइम्स फोर प्लस जीरो इक्वल टू फोर, नहीं सर एट इक्वल टू फोर, नॉट पॉसिबल। तो थ्री अपना रूट में आंसर में नहीं आएगा। सो ये बात होगी क्लियर, रूट पे चेक कर लिया। अब फटाफट तीन केस बनाएंगे। अब केसेस में आप थ्री और माइनस वन को मत लेना, क्योंकि आपने उसके उसको चेक कर लिया है अलग से, क्लियर है। केस वन में क्या है, आपका पूरा मार्केट तीन से लेकर स्वर्ग तक जा रहा है, तो आपने मानना क्या है केस वन कि आपने बोला एक्स की वैल्यू थ्री से बड़ी। केस वन क्या है, तीन केस है ना, केस वन में क्या है, आपकी वैल्यू सेट ऑफ वैल्यूज क्या है, तीन से बड़ी है, तो मान के चल रहे हैं कि आपकी वैल्यू तीन से बड़ी है। आप तो क्लियर श्योर हो गए ना कि ये वाला मॉड क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सो इसको आपने ओपनिंग पॉजिटिव कर दी। जब दूसरे वाले मॉड की बात करोगे जिसका ये थ्री रूट नहीं है, मतलब ये थ्री की रूट नहीं है, तो आपने करना क्या है फटाफट, अगर आप केस लेंगे तो नंबर मान लें, लेट से फोर। तो फोर प्लस वन, ये पॉजिटिव दिख रहा है कि नेगेटिव दिख रहा है अंदर, पॉजिटिव दिख रहा है थ्री से बड़े वाले में, यस, तो उसको ये पॉजिटिव में ओपन कर देंगे। मतलब प्ले विद द वैल्यूज, कोई भी एक सेट में वैल्यू एज्यूम करके रख के देख ले, जो अंदर पॉजिटिव दिखता है तो बाहर ऐसे आ जाएगा, नेगेटिव होता है माइनस आ जाएगा, क्लियर है। सो ये 2x प्लस एक्स 3x, और ये प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 इक्वल टू 5, तो 5x इक्वल टू 5 बाई 3, विच इज अप्रोक्स 2 पॉइंट समथिंग, सो नॉट मोर देन 3, सो नॉट एक्सेप्टेबल। केस 2, अब आपकी जो सेट ऑफ वैल्यूज है वो माइनस 1 से 3 के बीच में है, ये वाला केस, क्लियर है। तो इसका मतलब मोर देन माइनस 1, लेस देन 3। तो मोर देन माइनस 1 में ये क्या होगा, एज्यूम कर लो ना, बताया वैल्यू कौन सी वैल्यू लग रही है आपको जो दिख रही है इसके अंदर आती हुई सबसे प्यारी, जीरो। जीरो प्लस वन पॉजिटिव, यस, तो एक्स प्लस वन पॉजिटिव खुल जाएगा। अब क्लियर हो रहा है, और जीरो के लिए क्या खुल रहा है ना, माइनस थ्री, जीरो माइनस थ्री माइनस थ्री नेगेटिव है, तो माइनस लग के खुलेगा। अब आपको क्लियर हो गया, समझाने वाली बात नहीं, बहुत बढ़िया। 2x माइनस एक्स, एक्स प्लस 2 प्लस 3 5 इक्वल टू फोर, एक्स इक्वल टू माइनस वन। तो माइनस वन यहां पर आ चुका है, इस केस में माइनस वन अपना आंसर नहीं है, पर अपना आंसर माइनस वन एक्चुअल में है, ठीक है। केस थ्री, केस थ्री में अब आपका जो दुनिया है वो माइनस वन से छोटा है, तो माइनस वन छोटे में वैल्यू ले लो माइनस टू। सो माइनस टू प्लस वन, ये नेगेटिव दिख रहा है, यस, तो ये नेगेटिव लग के खुलेगा, नेगेटिव लग के खुलेगा, ओके। और माइनस टू में ये क्या है, नेगेटिव है, यस, तो नेगेटिव, तो माइनस लग के खुलेगा।
क्लियर है? -2x - x - 3x - 2 + 3, 1 = 4, सो -3x = 3, सो x = -1। सर -1 तो हमने ले लिया है, तो अपना आंसर सिर्फ -1 आएगा। यस, -1 आएगा, देख लीजिए आंसर। अब अगर आपको बहुत जल्दी से ही मोड ओपन करने, एक मेथड क्या है, वैल्यू रख के देख लीजिए, कोई भी वैल्यू अज्यूम करिए सेट के अंदर, रख के देखिए, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, लगे खोल देना, समझ में आ गया। एक केस मेरे हिसाब से भी, मतलब बाउंड्री वैल्यू जिसको मैं बोलता हूँ, आपने करना क्या है, एक लाइन खींचनी है, ये लाइन, ठीक है, दिख गई? जब जब आप 3 से बड़ी वाली बात करेंगे तब तक इनका टेंशन नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव बोलेगा, और उस समय आप -1 से इस तरफ ही हैं, -1 से भी इस तरफ है, तो आपकी वैल्यू -1 से बड़ी है, तो ये भी पॉजिटिव खुलेगा, ठीक है? बाउंड्री के अगर आप राइट तरफ होंगे तो हमेशा पॉजिटिव खुलेगा। जैसे आप इस वाले केस में आए, तो इस वाले बाउंड्री से आप लेफ्ट में आ गए, तो ये नेगेटिव खुल रहा था, आप देखिए, पर आप -1 से राइट तरफ बाउंड्री में हैं तो पॉजिटिव खुल रहा था, राइट तरफ पॉजिटिव, लेफ्ट तरफ नेगेटिव। जब आप इस वाले केस में आए तो आप 3 और -1 दोनों के लेफ्ट बाउंड्री में थे, मतलब दोनों पर नेगेटिव लगेगा, क्लियर है? फिर लास्ट टाइम बता दे रहा हूँ, 3 जैसे इस वाले केस में हो तो दोनों के राइट बाउंड्री में हो, दोनों पॉजिटिव, मिडल में थे तो 3 के लेफ्ट बाउंड्री में थे, मतलब 3 का नेगेटिव, और -1 से राइट बाउंड्री में थे तो पॉजिटिव, इस वाले केस में दोनों के लेफ्ट बाउंड्री में थे तो दोनों ही नेगेटिव। अब क्लियर है? दैट मीन्स रूट अगर है तो राइट बाउंड्री में पॉजिटिव, लेफ्ट बाउंड्री में नेगेटिव मिलता है, उसके रूट के इर्द गिर्द, क्लियर है? बहुत बढ़िया। ये तभी होगा जब उस मोड के अंदर साइन ऑफ हाईएस्ट टर्म, लीनियर की बात कर रहा हूं मैं, पॉजिटिव हो तब, क्लियर है? ओनली फॉर लीनियर, ये फंडा। आगे बढ़े, सो माई फेवरेट क्वेश्चन वॉज दिस 58। अगर आपको इस समझ में आ गया तो अब आप लायक हो गए हैं 59 करने के, सो स्पीड करिए, तब तो मैं इसको साफ कर देता हूं। कहाँ है भाई साहब, आइए, चलिए जल्दी 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 जल्दी, गज गज, कुछ रह गए अवशेष, इनको भी निकाल देता हूँ। देखो मेरे पास मेथड बहुत सारे हैं, आपको जो मेथड कंफर्टेबल लगे उससे करें। मुद्दे वाली बात क्या है, आंसर जल्दी आना चाहिए और सही आना चाहिए, उसके लिए वो ट्रिक्स बनाई गई है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 59, आज 60 तक ही हो पाएगा, बिकॉज मेरे को कोचिंग निकलना है, तो आई विल ट्राई कि कल आज शाम तक अपलोड कर दूं। कल मैं सोच रहा हूँ कि मैं बोलता तो हूँ मैं डेली करूंगा, पर हो नहीं पाता, आई विल ट्राई कि जल्दी अपलोड हो जाए ना, कमिंग सून, ठीक, जल्दी हो जाएगा, और आपको तब कर कर लो, फटाफट खुद कर लोगे, है ना, तो समझदार तो हुई भाई, सिखाया किसने, पवन सर ने, मस्ती कर रहा हूँ, क्लियर है? ओके 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 ओके, क्या है, 59 -3 टाइम्स = 4, तो फटाफट 3 रूट्स अलग अलग हैं, आपने क्या करना है, इनका रूट मार्क कर देना है, इसका रूट क्या आएगा 0, इसका रूट क्या आएगा 1, इसका रूट क्या आएगा 2, कीप इट इन असेंडिंग ऑर्डर, ओके? सो चेक फॉर 2, x = 2 पे रखते देखते हैं, सो दिस इज 2 + 2 × 1 + 0 = 4, आ रहा है क्या 4, यस आ रहा है, सो x = 2 अपना एक आंसर है। x = 1 पे चेक कर लेते हैं, सो 1 + 0 + -3 × 1 - 2 - 1 का मॉड कितना आएगा 1, क्या नहीं, नॉट एक्सेप्टेबल, इक्वलिटी मेंटेन नहीं हो रही है, तो ये आंसर नहीं आएगा, इसको टिक कर दे रहा हूँ मैं राइट इधर, x = 2, लास्ट x = 0, 0 के लिए क्या आ रहा है, ये 0, ये आ रहा है -1 का मॉड 1 दैट इज 2, और ये आ रहा है आपका -3 × 2, यानी कि -6 + 4 - 4, यहाँ 4 चाहिए, तो 0 भी अपना आंसर नहीं, x2 तो x से दिख गया रूट का,
अब हम फटाफट इनइक्वालिटी बनाएंगे केस वन में एक्स। अब वही लेफ्ट बाउंड्री एडवर्टी करते हैं, फटाफट बाउंड्री मार्क कर लेते हैं। और एक और बाउंड्री कौन सी रहेगी? ठीक है, देखिए केस वन में क्या है, आपकी वैल्यू दो से बड़ी लिया, सो जीरो की भी राइट तरफ है, वन की भी राइट तरफ है, टू की भी राइट तरफ है, सभी पॉजिटिव को लेंगे। दैट मीन्स एक्स टू टाइम्स एक्स माइनस वन माइनस थ्री टाइम एक्स माइनस टू, है ना? ये किस तरफ जा रहे हो ना, तो वन के भी राइट तरफ है, जीरो के भी राइट तरफ है, टू के भी राइट तरफ है, दैट मीन्स ऑल विल बी पॉजिटिव। और अगर क्लियर नहीं है तो आप नंबर लेके देख लें। लेट सपोज आपने नंबर एज्यूम कर लिया थ्री के लिए, सो थ्री पॉजिटिव दिख रहा है, थ्री माइनस वन टू पॉजिटिव दिख रहा है, थ्री माइनस टू पॉजिटिव दिख रहा है, तो सब पॉजिटिव खुल गया ना। क्लियर? सो टू एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स कैंसिल आउट हो गया, माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल टू फोर, सो फोर इक्वल टू फोर। अब यहां ध्यान सुनना बात, एक्स कट के मर गए पर उन्होंने एक अच्छा काम किया कि इक्वालिटी होल्ड कर दी, मतलब फोर इक्वल टू फोर, मतलब आप इसका मतलब ये हुआ कि इफ यू पुट एनी वैल्यू ऑफ एक्स मोर देन टू दे विल एलिमिनेट बाय देमसेल्फ, और इक्वालिटी फोर इक्वल टू फोर होल्ड कर हो रही हो। सो इसका मतलब पूरी दुनिया दो से बड़ी सभी आ सकती है, तो ये सभी आएगी तो एक्स कटेगा, एक्स कटेगा तो फोर इक्वल टू फोर होगा, इक्वलिटी होल्ड होगी। क्लियर? सो एक्स इज मोर देन टू, जिसमें टू भी इंक्लूड हो चुका है, तो आई विल राइट आंसर एक्स इज इक्वल टू टू, तो एक्स इज इक्वल टू टू इज माई आंसर केस टू में। चेक कर लेते हैं, अब आप इस दुनिया में हो तो उसको मैं क्या लिखूंगा, इट इज वन और टू के बीच में, तो आप टू से इस तरफ हो ना, तो टू से लेफ्ट तरफ हो तो ये नेगेटिव खुलेगा, टू से लेफ्ट तरफ हो ना, वन से राइट हो, जीरो से भी राइट हो, तो दोनों पॉजिटिव खुलेंगे, मतलब एक्स पॉजिटिव खुलेगा, एक्स माइनस वन भी पॉजिटिव खुलेगा, परंतु एक्स माइनस टू नेगेटिव खुलेगा क्योंकि आप टू के लेफ्ट तरफ है। ठीक है, इक्वल टू फोर, सो टू एक्स प्लस एक्स थ्री एक्स प्लस थ्री सिक्स एक्स माइनस टू, ये प्लस थ्री हो गया है, फालतू में लिख दिया मैंने, ये आप समझदार हैं, ये प्लस थ्री हो गया है। ठीक है, माइनस टू माइनस सिक्स माइनस एट, माइनस एट तो प्लस एट ट्वेल्व, तो एक्स इक्वल टू टू आ रहा है, सो टू मेरा इसमें इस केस में मेरा आंसर नहीं है, पर वैसे मेरा आंसर टू है केस थ्री। अब ये वाले सेट में चलती है, ये वाले सेट में क्या है, जीरो से लेकर वन के बीच में, तो आप इस तरफ है यानी वन से लेफ्ट में, टू से लेफ्ट में, दोनों नेगेटिव खुलेंगे, पर एक्स जीरो से राइट में तो ये एक्स पॉजिटिव खुलेगा, मतलब पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, बाकी सभी नेगेटिव। क्लियर है? सो थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस एक्स, तो टू एक्स आ रहा है, और ये आ रहा है टू प्लस टू माइनस सिक्स माइनस फोर, ये हो रहा है एट, सो ये आ रहा है फोर, नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज जीरो से वन का सेट है आपका, फोर नहीं आ सकता। लास्ट केस, इसको रब कर दे थोड़ा, लास्ट केस जो है वो थोड़ा सा ले लेते हैं, केस फोर, जीरो से कम, जीरो से कम, ये वाला सेट, तो आप देखिए इस तरफ है, जीरो से भी लेफ्ट, वन से भी लेफ्ट, टू से भी लेफ्ट, सभी नेगेटिव खुलेंगे, सो माइनस एक्स माइनस टू टाइम एक्स माइनस वन, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस थ्री टाइम एक्स माइनस टू इक्वल टू फोर, सो प्लस थ्री माइनस थ्री कट गया, टू माइनस सिक्स इक्वल टू फोर। देखिए अब आप क्लियर हो रहा है, यहां पर मरे तो सही अच्छा काम करके नहीं गए, मतलब इक्वलिटी होल्ड नहीं करके गए, तो मैं कोई भी एक्स लेस देन जीरो नहीं लूंगा, तो ये फायदा लेने का नहीं है क्योंकि इक्वलिटी होल्ड नहीं हो रही है, समझे? सो आपका फाइनल आंसर क्या हुआ, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू। तो अब आप इस ट्रिक से नंबर ऑफ अगर मॉड्स दे दूं मैं पांच छह, तो आप फटाफट लेफ्ट राइट से तुरंत इनइक्वालिटी लगा लगा के सेट निकाल सकते हैं। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन आज का, आज का 16, 60,
तो 2 टाइम्स mod 3 माइनस x प्लस 3 टाइम x माइनस 1 इक्वल टू, इसमें ध्यान रखना इसमें इस हरामी ने x को घुमा दिया है, हम डरने वाले नहीं है, ठीक है। तो अगेन वही बात, इसका रूट क्या है, 3 है, इसका रूट क्या है, 1 है, नंबर प्लॉट किया, असेंडिंग ऑर्डर में 1 आएगा फिर 3 आएगा, ऐसा कुछ सबसे कर लिया, फटाफट रूट पे चेक कर लिया। सो 3 पर क्या है हालात, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 3 6 नॉट मेंटेन, 6 डज नॉट इक्वल टू 4, 3 नहीं आएगा। एक्स इक्वल टू 1 पे ये 0 हो गया, ये आप 2 2 4, 4 इक्वल टू 4, यस अपना आंसर एक 4 है। चलिए केस 1, एक्स की वैल्यू मोर देन 3 लिए, इसमें ये नंबर लाइन अगर मैं यूज करता हूँ, सुन लो, मैं अगर मैं यूज करता हूँ, मुझे पता है कि नहीं सही होगा बिकॉज यहाँ पर एक्स के पास कोएफिशिएंट माइनस की आ गई है ना, क्यों नहीं होगा दिखाता हूँ आपको मैं। चलिए आपने गलती कर दी, हमने गलती करी है, हमने क्या बोला कि तर्फ 3 से बड़ा, 3 इस तरफ वाला केस ले रहे हैं, मतलब दोनों तरफ, दोनों के राइट तरफ है, मतलब दोनों ही क्या फूलेंगे, पॉजिटिव फूलेंगे ना। अब आपको थोड़ा फील कराता हूं मैं, इसको दिक्कत नहीं है, आप एज्यूम करिए कोई नंबर 4 एज्यूम कर लीजिए, इसको ये तो 3 है पॉजिटिव फूल गया, ये हरामी जो है 3 माइनस x, ये क्या हो रहा है, -1, मतलब नेगेटिव हो रहा है। तो जब भी, और हमने क्या बोला था कि 3 से राइट है तो पॉजिटिव खुलेगा, पर ये नेगेटिव खुल रहा है बिकॉज पीछे लगा हुआ है माइनस एक्स। तो जब भी आप एक्स के पास नेगेटिव देखें तो ये ट्रिक मत लगाएं, वो क्या बोलते हैं उसको, क्रॉस वाले को, खतरा खतरा है, ठीक है। सो इस जब एक्स के पास नेगेटिव हो तो आप फिर नंबर से खेल लें, नंबर से 4 लिया, ये पॉजिटिव खुल रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 3 माइनस 4 माइनस 1 नेगेटिव, तो इसको माइनस से ओपन करना पड़ेगा, ऐसा बस, ठीक है। तो नंबर आपको इस समय हेल्प कर जाएगा जब आपको कोएफिशिएंट ऑफ एक्स नेगेटिव दिख जाए तब। सो -6 और -3 -9, ये +2x प्लस 3x प्लस 5x इक्वल टू 4, सो 5x इक्वल टू 13, तो x इक्वल टू 13/5 अप्रोक्स 2 पॉइंट समथिंग, तो ना 3 से बड़ा नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं। केस 2, अब हम लेंगे कौन सा केस, 1 से लेकर 3 के बीच का केस, तो एज्यूम करो कोई नंबर 2 ले लो, तो 3 माइनस 2 पॉजिटिव, ओके पॉजिटिव खुल जाएगा, 2 माइनस 1 पॉजिटिव खुल खुल जाएगा, इक्वल टू 4, सो 6 माइनस 3 3, -2x प्लस 3x एक्स इक्वल टू 4, सो एक्स इक्वल टू 1, पर 1 हमने इंक्लूड यहां नहीं किया है, वैसे मेरा आंसर 1 है पर इस केस के हिसाब से 1 मेरा आंसर नहीं है। लास्ट केस, एक्स की वैल्यू 1 से छोटी, 1 से छोटी अगर है तो एज्यूम कर लीजिए प्यारा नंबर 0, 0 में ये पॉजिटिव खुल रहा है, 3 माइनस 0 पॉजिटिव, तो 2 टाइम्स 3 माइनस x, और 0 माइनस 1 नेगेटिव, -1, तो माइनस लगे खुलेगा, मतलब -3 टाइम x माइनस 1 इक्वल टू 4, सो 6 प्लस 3 9, और -2x माइनस 3x -5x इक्वल टू 4, सो 5x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 1, इसमें भी 1 मेरा एक्सेप्टेबल नहीं है पर 1 वैसा आंसर है, तो फाइनली मेरा आंसर 1 है, फाइनली मेरा आंसर क्या है, 1। अबे कहाँ गया 1 है, ठीक है। सो आज कितना ही करते हैं, कल सुबह फिर अपलोड हो जाएगा 60 के आगे, 70 तक, तो मिलते हैं, बाय, ठीक है।